आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आज अगर हम लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, इसका कारण कौन है आप बता सकते हैं? माई मम्मी, यू नो, बहुत अच्छा खाना बनाती है। नो, हमारा रसोईया बहुत अच्छा खाना बनाता है। नो, आवर बॉस, ही इज पेइंग गुड सैलरी, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग गुड फूड। दैट्स इट। नो, किसान की वजह से ही आज हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। यस, ही इज राइट। किसान अगर मेहनत करके फसल ना उगाए तो हमें अनाज ना मिले। सच तो ये है गाइस कि हमारे पुरखे किसान ही हैं। नो नो, माय फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर? फार्मर। माय फादर इज अ लॉयर। माय ग्रैंडफादर इज लेक्चरर। व्हाट अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर? वन मिनट। हेलो डैडी, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे? वो किसान थे बेटा, हमारी 100 एकड़ जमीन थी। अच्छा, सॉरी, ही वाज अ फार्मर। हेलो, यस, यू आर राइट नंदू, अगर हम गहराई से इसे देखें तो हम सबके बाप दादा किसानी थे। लेकिन अभी ये टॉपिक किस लिए नंदू? अगर हमें सैलरी ज्यादा मिले तो हम अपनी जॉब छोड़कर किसी भी देश जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसान बर्बाद भी हो जाए तब भी फसल बोता रहता है, अपना काम करता रहता है। अगर किसान फसल बोना बंद कर दे, अनाज उगाना बंद कर दे, तो हम लोग जंग से नहीं भूख से मर जाएंगे। वैसे भी आज किसान बहुत परेशान है। मेरे गांव के किसानों की फसल खराब हो गई है और साहूकार जल्लाद उन बेचारों की जमीन हड़पने की कोशिश में है। आज ये मेरे गांव में हो रहा है, कल तुम्हारे गांव में भी हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए नंदू? हम यंग जनरेशन है, हम चाहे तो किसानों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। समझा नहीं नंदू। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप लोग इन्हें एक काम करना चाहते हैं तो अपनी सेविंग में से थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट नो कंपल्शन। थैंक यू वेरी मच। क्या राज, तू तो ज्यादा इमोशनल हो गया। नंदू की वजह से मुझे मेरे परदादा याद आ गए। हाँ, मुझे भी याद आ गए। Thank you.